नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतरीन प्लान एक लेकर आए हैं, 25x50, 25x50 का अगर आप प्लॉट है ना, घर का नक्शा है, तो आप इस घर को बना सकते हैं। और बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन मैं देने की कोशिश की, मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन देने की कोशिश की है। हमारे एक मित्र थे और उनका एक प्लॉट है 25x50 का, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इस प्लॉट को डिजाइन किया और मॉडर्न लुक उन्हें चाहिए था, तो ऐसा ही पूरा डिजाइन देने की मैंने कोशिश की है। अगर आप कभी 25x50 का प्लॉट है घर का डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन प्लान, बेहतरीन सा मॉडल आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सब कुछ समझ में आएगा। पूरा डिटेल के लिए हम आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, जिस प्लान की मैं बात करने वाला हूँ, आपने थंबनेल पर हो सकता है आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे देखे हों, बट मैंने वो रिमूव कर दिए हैं क्योंकि उसको यहाँ पर शो करने में कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तो मैंने वो उस मेहनत को रिड्यूस करने के लिए पेड़ पौधे हटा दिया है। आपको मुख्य चीज़ ये देखनी है, अपना मकान, ठीक है ना, सारे केंद्र बिंदु आपको रखना अपना मकान का डिजाइन। तो देखिएगा मकान का डिजाइन, ये फ्रंट है और यहाँ पर मैंने ग्राउंड और फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर बनाने की कोशिश की है, मॉडर्न लुक टाइप का। दोस्तों हालांकि मैंने ये बाउंड्री वॉल आपको दिखा रखी है, बट इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ये प्लॉट तीन साइड से घिरा हुआ है, मतलब कि तीनों साइड मकान बने हुए, केवल इसका फ्रंट से ही आपका ओपन है और साइड से किसी अन्य के मकान हैं, आने वाले समय में बनेंगे। तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन होने वाला है और इसी को आज हम प्रॉपर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉप से ऊपर से आप घर देखेंगे तो आप कैसा दिखेगा, फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा और काफी बेहतरीन से लुक बनाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ, इससे आपको सारी रियलिस्टिक व्यूज का समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, सामने जब देखेंगे ना घर ऐसा होगा, ये आपका मेन गेट है और यहाँ पर कार पार्किंग की भी मैंने व्यवस्था रखी, इसी वजह से बड़ा सा मेन गेट आपको लगभग 10 फुट का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये आपकी ग्रिल है फ्रंट से, ग्रिल का थोड़ा सा डिजाइन मैंने यूनिक बनाने की कोशिश की है और यहाँ पर नाम प्लेट वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने त्रिपाठी भवन पुखराया और अपना एड्रेस वगैरह मैंने एक रैंडम दे दिया है, आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं। और ग्रिल का डिजाइन देखिएगा कितना खूबसूरत है ग्रिल का डिजाइन। और मेन डोर से आप जैसे एंट्री करते तो सबसे पहले आपको 4 फिट का स्पेस आगे मिलता है। उनकी रिक्वायरमेंट थी हमारे जो मित्र हैं कि 4 से 5 फीट का स्पेस होना चाहिए आगे, जिससे यहाँ पर वो फूल वगैरह अपना लगा सकें, अपना जैसे भविष्य में आने वाले कुम्भ, बहुत सारा यूज होता है इस बालकनी का दोस्तों, छोटी जो बालकनी निकलती है आगे बहुत सारा यूज होता है। इसके बाद आपके गेस्ट रूम मिलता है, इसमें बड़ा सा विंडो है और मेन डोर जाते ही ये दोस्तों बड़ी सी कार पार्किंग आपको दिखने मिलती है। लगभग मैंने यहाँ पर 24 फीट की यहाँ से यहाँ तक एरिया ना 23 से 24 फुट एरिया है, जिसमें 3 फीट आपका फिर ये स्टेयर्स कवर कर लेगा, तो लगभग आपका 20 फीट तो सेपरेट एरिया बचेगा। 20 फुट में बड़ी से बड़ी कार का आप पार कर सकते हैं और चौड़ाई की बात करें तो वो भी आपको पर्याप्त मिलता है क्योंकि 25 टोटल इसका फ्रंट है, तो मैंने हाफ में डिवाइड किया है, लगभग 12.5 फिट इधर 12.5 फिट इधर, है ना, इसका दिया आपकी स्टेयर से आप ऊपर जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका कार पार्किंग वाला एरिया। इसके बाद जैसे अंदर पहुंचते हैं तो ये आपका एक गेस्ट रूम देखने को मिलता है। देखिए ये गेस्ट रूम, इस गेस्ट रूम को डोर मैंने यहाँ से दिया है और विंडो फ्रंट से दिया है, साइड से भी दिया है। अब इस गेस्ट रूम में पहुंचते ही आपको एक और डोर देखने को मिल रहा होगा, तो ये डोर दोस्तों है इस गेस्ट रूम में अटैच लेटेंट बाथ मैंने बनाया है, अटैच लेटेंट बाथ। अगर आपका कोई भी गेस्ट आता है तो उसको अगर बाथरूम का इस्तेमाल करना है तो आप वो डायरेक्ट यहीं से कर ले, है ना, इस वजह से ये गेस्ट रूम है। इसके बाद अब मेन डोर आपका ये है, जहां से आप एंट्री करेंगे मेन डोर जाते ही आप पहुंच जाते हैं बड़े से अपने आंगन में, आप इसे डाइनिंग हॉल बोल सकते हैं, जो भी चाहें, ये एज अ बेडरूम ही वर्क करेगा। यहीं से आपकी पूरी घर की एंट्री होने वाली है। तो ये देखिएगा, ये सबसे पहले आपको किचन एरिया मिल जाता है जो कि स्टेयर से मैंने एक विंडो भी दिया है, प्रॉपर इसका वेंटिलेशन भी होगा क्योंकि ये आंगन है, तो यहाँ पर भी आप जाल रखवाएंगे वेंटिलेशन के लिए छत पर, तो यहाँ से ही वेंटिलेशन होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ये कॉर्नर पर आपको बेडरूम देखने को मिलता है, इसके लिए मैंने अलग डोर और विंडो दिया है। और दोस्तों देखिए बीच में इसके बाद एक ये बेडरूम है, इसके लिए यहाँ से डोर है और यहाँ पर आपको देखिए कुछ चीजें ब्लॉक टाइप की कटे हैं, अब इसको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा ब्लॉक था, इसको 2 भागों में डिवाइड किया, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा आप कौन सा भाग ज्यादा बड़ा रखना चाहते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर एक ओपन ओटीएस दिया है, यहाँ पर आप एक जाल रखवाएंगे छत पर, तो छत से यहाँ पर भी रोशनी वगैरह आएगी, हवा वगैरह आएगी, जो आपका ये एरिया ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये एरिया आपके पूरे घर को वेंटिलेट करेगा, पीछे से हवा आएगी। तो आपके इस बेडरूम में एक विंडो भी देखिए मैंने दिया है, तो इस बेडरूम को बहुत ही प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करेगा। और इसी बेडरूम में मैंने अटैच लेटेंट बाथ भी एक दिया है, देख सकते हैं ना इस बेडरूम में, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं तो आप इसे हटा सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। और इस बेडरूम से इस एरिया को एक्सेस करने के लिए डोर दिया है, कुल मिलाकर इस डोर को भी आप ओपन कर लेंगे तब भी यहाँ से हवा वगैरह इस बेडरूम में भी पहुंचेगी, इसमें भी पहुंचेगी, लेट बाथ का वेंटिलेशन भी यहाँ से होगा।
तो पीछे वाले दोनों बेडरूम को प्रॉपर वेंटिलेशन देने के लिए मैं यहाँ पर मैंने ओटीएस दिया है, और एक ओटीएस तो आपका आंगन में रहेगा, तो दो ओटीएस होंगे। अब दोस्तों देखिए, दो लेट बाथ आपके यहाँ पर अटैच हो गए, एक तो गेस्ट रूम के साथ अटैच है और एक बैक रूम के साथ अटैच है। अब कॉमन लेट बाथ कहाँ पर है आप सोच रहे होंगे, तो वो भी मैंने आंगन से ही दिया है। इस पोर्शन को दो भागों में उन्होंने डिवाइड किया था दोस्तों, इसमें एक तो अटैच हो गया, एक जो एरिया बचा वो कॉमन लेट बाथ है, सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस लेट एंड बाथ को। तो कुल मिलाकर अगर लेट बाथ की बात करें तो तीन लेट बाथ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, दो अटैच एक कंबाइंड। अगर आपकी एक आध रिक्वायरमेंट नहीं है तो किसी को भी हटा करके बहुत ही सारी चीज कुछ भी बना सकते हैं, है ना। अगर इसको आप नहीं रखना चाहते तो इसे पूजा घर बना लीजिए, स्टोर रूम बना लीजिए, जो भी आप पर डिपेंड करता है। तो बहुत ही यूनिक प्लान था और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस घर को बनाने में, और एक कहीं ना कहीं इस मेहनत का मुझे फल भी मिला। मतलब मुझे एक बेहतरीन सा आइडिया जब आया, मैंने मकान बनाने बैठा तो मुझे लगा कि ये बहुत ही यूनिक मॉडल होगा, और प्रॉपर वेंटिलेशन सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक, रूम के साइज भी बहुत ही प्रॉपर हैं, 12x12 के अप्रॉक्स बेडरूम है, तीनों बेडरूम 12x12 के अप्रॉक्स हैं। ये वाला एरिया भी लगभग 12x13 फिट का है, ये आंगन ये भी एज आ ओपन बेडरूम वर्क करेगा, आंगन वर्क करेगा, और कार पार्किंग और आगे की बालकनी सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है ग्राउंड फ्लोर पर। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है। आप जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर पहुंचेंगे तो देखिएगा पीछे की मैंने कोई भी चेंजमेंट नहीं की है, वही दोनों बेडरूम, वही वेंटिलेशन, वही आपका लेट बाथ, वही किचन, वही आंगन, ये सारा चेंज, वही सिर्फ बालकनी में चेंजमेंट हुई। कार पार्किंग को देखिएगा, यहाँ पर ये आपका ओपन एरिया ही रहेगा, और इसके बाद ये मैंने एक जाल टाइप का लगा दिया, इसे आपको सिक्योरिटी पर्पज से अगर आप इसे नहीं रखना चाहते तो ये हटा सकते हैं। इसके बाद आगे का पूरा ये बालकनी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, एक बड़ा सा बालकनी आप यहाँ पर ग्रीन एरिया लगा सकते हैं, ग्रास वगैरह लगा सकते हैं। और आगे का जो लुक है ना वो देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक पैनल दिया है, और इसका ग्रिल का डिजाइन है साइड में, इधर भी आप डिजाइन, ये दोस्तों आप देखने पर ही समझ रहे होंगे एक बेहतरीन सा डिजाइन बनाने की मैंने कोशिश की है, घर को प्रॉपर बनाने की कोशिश की। बात बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं, कोई भी मैंने चेंजमेंट नहीं किया है फर्स्ट फ्लोर पर। बात करते लास्ट फ्लोर की, तो जैसा आप ऊपर पहुंचेंगे तो देखिएगा बेहतरीन से बाउंड्री वॉल फ्रंट में, और ये देखिएगा ये स्टेयर्स को ढकने के लिए घुमटी है दोस्तों, जो आपका जीना आ रहा है ऊपर उसको ढकने के लिए तो घुमटी है। अब ये सोच रहे होंगे ये क्या बना हुआ, ये दोस्तों कुछ नहीं, हालांकि इसकी नीड सिर्फ आपका डेकोरेशन और घर को सुंदर बनाने के लिए बनाया जाता है, हालांकि इसकी और कोई नीड नहीं होती, आप भी समझते होंगे। बट इससे हाँ, ये अगर डिजाइनर बनाएंगे तो घर का आपका लुक बहुत ही बेहतरीन लगेगा, जैसा कि लग भी रहा होगा। तो ये 25x50 फुट में बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको हमारा मॉडल पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको हमारा मॉडल पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं पेड सर्विस भी चलाता हूँ, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।